अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समर हाइट फैक्ट्स। नाजरीन, अच्छी ज़िंदगी गुजारना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। हर इंसान चाहता है कि इसके पास ढेर सा पैसा हो। कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि इनके पास पैसा हो जिससे वो गरीबों की मदद कर सकें, लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता। दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो बहुत अमीर हैं और कुछ ऐसे जो बहुत गरीब। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ममालिक के बारे में बताएंगे जहां मजदूरों की तनख्वाहें भी लाखों में हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल उसामा राइट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल को ऑल पर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, आइसलैंड। आइसलैंड की कुल आबादी 3,50,000 है, जो यूरोप का सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट आइसलैंड को दुनिया का 9वां तरक्की याफ्ता मुल्क करार दिया। इस मुल्क में काम करने वालों की सालाना तनख्वाह तकरीबन 47,000 अमरीकी डॉलर है। नंबर 9, बेल्जियम। बेल्जियम में सेहत की देखभाल और तालीम का निज़ाम बहुत आला है, और इसके अलावा इसको दुनिया के पुरअमन और महफूज तरीन ममालिक में भी शुमार किया जाता है। बेल्जियम में डच और फ्रेंच अहम जुबानें हैं। यहाँ की औसतन सालाना आमदनी 47,700 अमरीकी डॉलर है। आला सनतों में खुराक, मशरूबात और नकलो हमल के साजो सामान हैं। नंबर 8, कैनेडा। कैनेडा की 82% आबादी छोटे और दरमियानी शहरों में मरकूज है। तालीम, माशी आज़ादी, मियारी और शफाफ हुकूमत, शहरी आज़ादी की बात की जाए तो कैनेडा का दुनिया में अपना मुकाम है। कैनेडा और अमेरिका का बॉर्डर दुनिया का सबसे तवील 8,891 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। कैनेडा की औसतन सालाना आमदनी 47,800 अमरीकी डॉलर्स है। नंबर 7, डेनमार्क। डेनमार्क शुमाली यूरोप में वाक़ है। यहाँ का मौसम ठंडा होता है। डेनमार्क का झंडा दुनिया के किसी भी झंडे से पुराना है, जो 1219 से इस्तेमाल किया जा रहा है। डेनमार्क की सालाना औसतन आमदनी 50,000 अमरीकी डॉलर्स है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो ऑस्ट्रेलवी बड़े आज़म के जजीरे तस्मानिया और मुतद्दद छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। ये एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क है। औसतन सालाना आमदनी 50,170 अमरीकी डॉलर्स है। आला सनतें, सियाहत और कान कनी हैं। नंबर 5, नैदरलैंड। नैदरलैंड जो कि हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसको 2019 में दुनिया का 6ठा खुशहाल मुल्क करार दिया गया। नैदरलैंड में तालीम और सेहत का निज़ाम बहुत अच्छा है, और यहाँ की सालाना आमदनी 50,670 अमरीकी डॉलर्स है। नंबर 4, नॉर्वे। IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया में फी का सबसे ज़्यादा आमदनी नॉर्वे के पास है। आलमी खुशहाल मुल्कों की रिपोर्ट में नॉर्वे पहले नंबर पर है। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक जराइम की सबसे कम शरह वाला मुल्क नॉर्वे है। नॉर्वे के सालाना आमदनी 50,900 अमरीकी डॉलर्स है। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड अपनी घड़ियों और चॉकलेटों के लिए मशहूर है। सेहत से मुतालिक साजो सामान की बरामदात में केमिकल मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इस मुल्क को नेस्ले, नोवार्टिस और क्रेडिट स्विस वगैरह जैसे बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का घर भी कहा जाता है। औसतन सालाना आमदनी 58,300 अमरीकी डॉलर है। नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का आलमी GDP में तकरीबन 25% हिस्सा है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा और मशहूर मुल्क है। अमेरिका सियासी लिहाज से काफ़ी मशहूर मुल्क है, और यहाँ की सालाना औसतन आमदन 58,700 अमरीकी डॉलर्स है। नंबर 1, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक छोटा सा मुल्क है जो मगरबी यूरोप में वाक़ है, लेकिन आप इसके छोटे होने पर मत जाएं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की तरक्की याफ्ता मईशत मौजूद है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान जर्मन है, और तकरीबन आधी आबादी गैर मुल्की है। इस मुल्क की सालाना आमदनी 60,300 अमरीकी डॉलर्स है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें, और जानने से पहले हमारे चैनल उसामा राइट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।